अभी जिस तरह से एक तरह से राजभवन ने बताया कि क्या कुछ झारखंड में चल रहा है, तो इस मामले को ले जाकर क्या राष्ट्रपति भवन तक भी पहुंचाने की कोशिश होगी कि दिल्ली तक ये बात पहुंचे कि झारखंड में क्या चल रहा है? नहीं, अभी तो हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल महोदय से मिलकर ज्ञापन दिया है और एक एक बिंदु पर विस्तृत चर्चा किया है, क्योंकि महामहिम राज्यपाल महोदय ने कहा है कि मैं इस पर कानूनी राय लूँगा और इसको जहाँ भी ऊपर तक पहुँचाने की बात है महामहिम राज्यपाल जी पहुँचाएंगे। उसके बावजूद यदि ज़रूरत होगी तब फिर हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे, क्योंकि महामहिम राज्यपाल जी पर हम लोग को पूर्ण विश्वास है। तो मैं समझता हूँ कि महामहिम राज्यपाल जी अपने अधिकारियों का प्रयोग करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। सवाल ये है सीपी सिंह सर, क्योंकि एक ये तो आरोप है एक खनन को लेकर गंभीर विषय है जैसे आप लोग बता रहे हैं, लेकिन झारखंड में आपने देखा होगा रोजगार के मुद्दे पर, भाषा के मुद्दे पर, तो इसी तरह का एकजुटता बीजेपी राजभवन में आकर क्यों नहीं दिखाती है इस मुद्दे को कि झारखंड में रोजगार के मुद्दे पर सरकार किसे पीछे हट गई है? जो कमिटमेंट एम्प्लॉयमेंट को लेकर था वो कमिटमेंट नहीं पूरा हुआ है, रोजगार के मुद्दे पर, नौजवानों के मुद्दे पर, सरकार के मुद्दे पर भी आपने देखा होगा कि विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने इस पर मामले को उठाने का काम किया है। हम सड़क से सदन तक भी मामले को उठाने का काम करते हैं, लेकिन राज्यपाल भवन ऐसा नहीं है कि हर दिन हम आ करके एक एक मुद्दे पर राज्यपाल जी से मिलें और उनको ये सारी बातें बताएं। महामहिम राज्यपाल जी अखबार देखते हैं, आप सबों का समाचार भी देखते हैं, चैनल भी देखते हैं, तो आप लोग जो सोचते होंगे तो भारतीय जनता पार्टी हर इशू पर मुखर भी है और उसका विरोध भी कर रही है। महामहिम राज्यपाल जी से आवश्यकता अनुसार हम लोग बात करते हैं, बहुत से मुद्दे हैं जो बाहर में मैं नहीं बता सकता, आज बहुत से मुद्दों पर बात हुई है, महामहिम राज्यपाल जी ने उस पर उसको महसूस किया है और उस दिशा में हमसे पहले से कार्रवाई में लगे हुए हैं। आज एक छोटा सा अपडेट आया है जेपीएससी को लेकर के कि सातवीं जेपीएससी में जो पीटी परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जो निकाला गया था, अब आयोग कह रही है कि हम इसको रद्द करके नया रिजल्ट निकालना चाहते हैं, तो ये क्या चल रहा है प्रदेश में, ये नौजवानों के साथ क्या किस तरह का? देश में नहीं चल रहा है, इस प्रदेश में चल रहा है, झारखंड प्रदेश में चल रहा है। जेपीएससी शुरू से ही विवादास्पद रहा है और अभी तो हद हो गई है, जब खुद परीक्षा लेती है, खुद उत्तीर्ण करती है और फिर उसको अनुत्तीर्ण करती है और फिर रद्द करने की बात करती है, तो जेपीएससी तो गजब हो गया है, ये तो लगता है कि बाइस्कोप की तरह हो गया है, अजूबा हो गया है। तो सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और यहाँ के नौनिहालों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे जो हमारे जेपीएससी के अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। आपने देखा होगा भाषा के विषय पर, खतियान के विषय पर, डोमिसाइल के विषय पर, स्थानीयता के विषय पर किस तरह से कोहराम मचा हुआ है, कोई स्पष्ट तस्वीर नज़र नहीं आती, ना सरकार दे पाती है ना और जनप्रतिनिधि रख पाते हैं, मगर भाषा विवाद तो सरकार ने स्वयं ये क्रिएट किया है, ये प्रायोजित है सरकार द्वारा, ताकि भाषा विवाद में लोग उलझे रहें, आपस में सामाजिक सौहार्द बिगड़ते रहे और हम चैन की बांसुरी बजाते रहें और हम खनिज पदार्थों की लूट में मशगूल रहें। इसका क्या समाधान देखते हैं सीपी सिंह सर? समाधान है, देखिए किसी भी चीज़ का अस्थाई कोई नहीं कर सकता है। आखिर कितने दिन के लिए चुने गए हैं? 5 साल के लिए ही, 3 साल और बचा हुआ, जनता भी महसूस कर रही है, जनता भी ठगा हुआ महसूस कर रही है। तो भैया लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता जिसको जनादेश देती है वो शासन करता है और शासन जनता के हित के लिए करे या जनता के अहित के लिए करे, आखिर जनादेश तो जनता ने उन्हें ही दिया है। हमारा काम है कि एक मजबूत विपक्ष होने के नाते हर उससे जो कृत्य, जो गलत कृत्य कर रहे हैं उसका हम विरोध करें, डटकर मुकाबला करें। तो मैं यही कहूँगा कि आम जनता त्रस्त है लेकिन संगठित नहीं है। अभी भाषा विवाद में आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से भाषा विवाद हो रहा है, तो ये उलझाया गया है आम जनता को आपस में लड़ाने का, भाईचारा के साथ जो रहते थे आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी
इसका सदन से लेकर सड़क तक मुकाबला भी कर रही है, करेगी, और इसको अंतिम अंजाम तक पहुंचाने का काम करेगी। आपने सुना किस तरह सीपी सिंह साहब ने साफ तौर पर कहा कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इस मुद्दे को बीजेपी राष्ट्रपति भवन तक, राष्ट्रपति तक भी पहुंचाएगी। लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें और उनकी पार्टी को राज्यपाल से, राजभवन से पूरा उम्मीद, पूरा भरोसा, पूरा एतमाद है कि इस पर कार्रवाई करेंगे। जैसा अभी बाबूलाल मरांडी ने कहा, उसमें दो तीन बातें बहुत प्रमुख हैं जिसे मैं समराइज़ करना जरूर चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरह के कृत्य के लिए राज्यपाल मुख्यमंत्री को बर्खास्त करें और उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। साथ ही उन्होंने उनके छोटे भाई के बारे में कहा, जो दुमका से विधायक हैं, कि उन्होंने महेशपुर, पाकुड़ के महेशपुर में जिस कंपनी से खनन हो रहा है उस कंपनी के वो डायरेक्टर हैं, लिहाजा उसकी भी शिकायत की गई है। ऐसे में ये पता चलता है कि जो सोरेन परिवार है, जो गुरुजी का परिवार है, वो झारखंड में लूट मचाए हुए है। ये पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के कथन थे। उम्मीद की जानी चाहिए इस आरोप प्रत्यारोप के बीच में जनता के मुद्दे कहीं गौण ना हो जाए। जो बेरोजगार नौजवान सड़कों की खाक छान रहे हैं उनके मुद्दे पर बात होगी, राजभवन में हो या सदन के अंदर हो, उनके मुद्दे पर भी चर्चा हो, ताकि जिन उद्देश्यों के लिए झारखंड राज्य का गठन हुआ है वो एटलीस्ट कम से कम उस उद्देश्य को पूरा किया जा सके। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ 22 को के लिए शहनवाज़।